बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्त और आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला आपकी हाजत नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। मैं हूँ नजफ अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सियाल मोटर्स। आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं मेरे प्यारे दोस्तों की पेशे खिदमत में एक बेहतरीन, खूबसूरत, लश कंडीशन और ब्रांड न्यू हालत वाली गाड़ी का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। इस गाड़ी को आप वीडियो के अंदर मुलाहिजा कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में आपकी गाड़ी देखने को मिलती है। रिसेंटली ये गाड़ी न्यू तैयार करवाई गई है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। यार दोस्तों, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जिस गाड़ी का भी एड लगाऊँ वो गाड़ी भी बेहतरीन हो, चलाई के लिहाज से भी अच्छी हो और कीमत में भी मुनासिब हो। और आज की जो वीडियो है ये भी इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी और ये गाड़ी जो है वो भी आपके बजट के मुताबिक होगी। गाड़ी जो है वो चलाई के लिहाज से भी बेहतरीन है, कंडीशन भी बेहतरीन है और जो इस गाड़ी की प्राइस रखी गई है वो भी इंतहाई मुनासिब है। इंशाल्लाह ये गाड़ी आपके बजट के मुताबिक होगी। इस गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, गाड़ी के ओनर का रबता नंबर, प्राइस, मॉडल और ये गाड़ी कहाँ पर मौजूद है, सारी तफसीलात जो है मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। जो दोस्त भाई भी इस गाड़ी को ख़रीदना चाहता है, अगर इंटरेस्टेड है, तुमसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखे, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें ताकि इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बआसानी उस तक पहुंच सके। और जो दोस्त भाई भी गाड़ियों की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है और इस चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करके बैल की आइकन को ऑल पर इनेबल कर दे ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियों की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बआसानी उस तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1986 मॉडल ये गाड़ी है, 2000 का ये कोटा है, लाहौर के नंबर पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिटी जो है वो लाहौर है, लाहौर का इस गाड़ी में नंबर लगा हुआ है। सबसे पहले हम गाड़ी के एक्सटीरियर डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। प्यार दोस्तों, गाड़ी का एक्सटीरियर आपके सामने है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। एक्सटीरियर साइड से गाड़ी रिसेंटली न्यू तैयार करवाई गई है, न्यू शावर करवाई गई है। एक्सटीरियर से ये गाड़ी जो है वो आपको अपनी ओरिजिनल पेंट में देखने को नहीं मिलती, तैयार शुदा है। गाड़ी में आपको कोई भी माइनर सा टचअप और मेजर टचअप भी देखने को नहीं मिलता। गाड़ी फ्रंट, बैक और साइड्स बिल्कुल नीट और क्लीन मौजूद है, स्क्रैचलेस कंडीशन में है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। गाड़ी की साइडों की बात की जाए तो वो भी आप देख सकते हैं, गाड़ी की साइडें भी स्क्रैचलेस है, जंग वगैरह से पाक हैं, कोई भी स्क्रैच वगैरह और किसी किस्म की जंग वगैरह आपको लगी हुई नज़र नहीं आती। इस गाड़ी की छत भी आप देख सकते हैं, गाड़ी की छत भी आपको स्क्रैचलेस कंडीशन में देखने को मिलती है, जंग वगैरह से बिल्कुल पाक है, किसी किस्म की खराबी वगैरह आपको गाड़ी के एक्सटीरियर साइड में देखने को नहीं मिलती। बैक साइड में आपको बेहतरीन कंडीशन में बम्पर भी इंस्टॉल मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी के ओनर का कहना है कि ये गाड़ी किसी भी एक्सीडेंट में भी इन्वॉल्व नहीं रही है, किसी भी हादसात वगैरह में भी ये गाड़ी मुलव्वस नहीं रही है। बात की अगर गाड़ी की टायरों की कंडीशन के बारे में, तो प्यारे दोस्तों गाड़ी में आपको 95% बेहतरीन कंडीशन में खूबसूरत रिम के साथ ब्रांड न्यू कंडीशन टायर देखने को मिलते हैं। प्यारे दोस्तों गाड़ी के चारों के चार टायर जो हैं वो बेहतरीन कंडीशन मौजूद हैं, कोई भी टायर आपको कहीं से भी सेकेंड हैंड और ख़राब नज़र नहीं आता। चारों टायरों पे आपको सिंपल रिम इंस्टॉल मिलते हैं, अलॉय रिम या व्हील कप इंस्टॉल नहीं करवाए गए। चारों के चार टायर जो हैं वो बेहतरीन कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों गाड़ी की डिफरेंट एंगल से मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप तसल्ली से चेक कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सब ओरिजिनल हैं, ओनर के कहने के मुताबिक हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर डिपार्टमेंट्स के बारे में। प्यार दोस्तों गाड़ी इंटीरियर साइड से भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, इंटीरियर साइड से भी गाड़ी आपको बेहतरीन और ब्रांड न्यू हालत में देखने को मिलेगी। इंटीरियर साइड से आप गाड़ी की छत देख सकते हैं, गाड़ी की छत जो है वो स्क्रैचलेस है, जंग वगैरह से पाके कोई भी स्क्रैच वगैरह आपको गाड़ी की छत में भी लगा हुआ नज़र नहीं आता। सीट कवर्स की बात की जाए, प्यार दोस्तों गाड़ी के तमाम सीट कवर्स जो हैं वो भी आपको ब्रांड न्यू हालत में देखने को मिलेंगे, कोई भी सीट कवर्स आपको कहीं से भी फटा हुआ नज़र नहीं आता, कोई भी सीट कवर्स आपको कहीं से भी सेकंड हैंड और ख़राब नज़र नहीं आता। बेहतरीन कंडीशन में आपको गाड़ी इंटीरियर साइड से भी देखने को मिलती है। डैशबोर्ड की बात की जाए, प्यार दोस्तों गाड़ी की डैशबोर्ड भी लश कंडीशन में, नीट और क्लीन है, स्क्रैचलेस है, जो कि आपको न्यू बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं। बेहतरीन हालत में आपको गाड़ी इंटीरियर साइड से भी देखने को मिलती है। गाड़ी इंटीरियर और एक्सटीरियर से 100% ओके है, किसी किस्म की खराबी वगैरह आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलती। गाड़ी में एक रुपये का भी वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आप इसे खरीद के ड्राइव कर सकते हैं। बात की जाए गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो प्यार दोस्तों गाड़ी के तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के ओनर के पास मौजूद हैं, क्लियर हैं, कंप्लीट हैं, ओरिजिनल हैं और इस गाड़ी के तमाम टैक्स टोकन भी पेड हैं। इंजन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की जाए, तो प्यार दोस्तों गाड़ी में आपको 3 वाई का पावरफुल इंजन इंस्टॉल मिलता है, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में मौजूद है।
इंजन की तमाम सील वगैरह जो हैं वो बेहतरीन कंडीशन मौजूद हैं, कोई भी सील आपको कहीं से भी ख़राब नज़र नहीं आती। इस गाड़ी की सस्पेंशन भी 100% है और गाड़ी की माइलेज भी बेहतरीन है, किसी किस्म का नक्स वगैरह आपको गाड़ी के इंजन में भी देखने को नहीं मिलेगा। इस गाड़ी की लोकेशन है जीटी रोड मुराद की, जीटी रोड में फेल वक्त की गाड़ी मौजूद है। जो दोस्त भाई भी इसको ख़रीदना चाहता है तो वो वहाँ का विजिट कर सकता है। गाड़ी का ओनर गाड़ी का 14,70,000 रुपया डिमांड कर रहा है। जो दोस्त भाई भी गाड़ी के मुतल्लिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, कीमत में मज़ीद थोड़ी बहुत सी कमी बेशी करवाना चाहता है तो ओनर से रब्ता कर सकता है। गाड़ी के ओनर का रब्ता नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया।